अभी आप समझो, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है जो लास्ट ईयर मार्च के बाद सबके साथ हुई, लॉकडाउन आ गया, इसमें काफी सारों के साथ इनकम लॉस हुआ, काफी सारों का जॉब लॉस हुआ, ठीक है। इनकम लॉस होता है, जॉब लॉस होता है, तो खर्चे का तो कट नहीं होता ना, मकान का भाड़ा भर रहे हो, भाड़ा बंद नहीं होने वाला है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं जाने वाली है, जो खाना है वो तो खाएंगे ही, सो ग्रोसरी के एक्सपेंसेस नहीं कम होने वाले हैं, टीवी का बिल बंद नहीं होने वाला है, केबल का बिल, न्यूज़पेपर का बिल बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, नेटफ्लिक्स का बिल बंद नहीं होने वाला है, तो इनकम लॉस होता है, जॉब लॉस होता है, तो ये सब खर्चे आपके कंटिन्यू ही रहेंगे। सो लाइफ में इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले, जब आप लाइफ चालू कर रहे हो तो कमाना चालू कर रहे हो या आप कमा रहे हो, तो पहले देख लो इंश्योरेंस ले लिया है, यस ओके इंश्योरेंस ले लिया, तो नाउ कम्स द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या है, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं फिक्स्ड, अगर आपके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है तो नेक्स्ट 6 महीने का टोटल कितना होता है, 1,80,000, वो 1,80,000 को आप एक अलग बैंक अकाउंट खुला के उसमें रख दो। सो मान लो कोविड जैसी सिचुएशन या आपकी जॉब चली जाए, ऐसी सिचुएशन आए, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके मंथली एक्सपेंसेस पे करने के लिए, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो कोई भी इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान बीमा के साथ साथ इमरजेंसी फंड भी जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में वी डोंट नो हमारी जॉब और बिजनेस के साथ कब क्या हो सकता है। लास्ट ईयर आपने देखा कितने लोगों के बिजनेसेस स्टॉप हो गए, ठीक है, सेम सिचुएशन अभी वापस केसेस बढ़ रहे हैं तो हो रही है, ठीक है। सो क्या जरूरी है, नेक्स्ट 6 महीने का अगर इमरजेंसी फंड रेडी है, तो वो इमरजेंसी फंड जैसे ही जॉब गई या इनकम कम हुई, तो जो इमरजेंसी फंड हमने एक्यूमुलेट किया है, वो इमरजेंसी फंड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस बढ़ने के लिए। अच्छा दूसरी बात, इसको तो आइदर आप सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता जाएगा, या म्यूचुअल फंड में देर इज अ फंड कॉल्ड ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड, ठीक है। सो लिक्विड फंड क्या होता है, वो टेम्पररी पार्किंग के लिए ही होता है, 3 से 3.5% आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, ज्यादा नहीं देगा, कम भी हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो, बट उसमें पैसा रखा तो सिक्योर पैसा है, कभी भी उठा सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, कभी भी रख सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और हाँ, लालच में आके उसको कभी टच नहीं करना है। मान लो कि गाड़ी लेनी है आपको और गाड़ी के डाउन पेमेंट में 50,000 कम पड़ रहे हैं, तो 1 महीना वेट कर लो ना भाई। लोग क्या करते हैं, चलो यार वो इमरजेंसी फंड वाला अकाउंट है ना, उसमें से उठा लेते हैं, दैट इज वेरी बैड प्रैक्टिस। सो इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि उसको कुछ भी टच नहीं करना है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव एन इनकम लॉस और अ जॉब लॉस, ठीक है, आप मेरी बात समझे। नाउ उसको हर एक साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इसको भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। 1,80,000 था, नेक्स्ट ईयर उसमें और 18-20 हज़ार जोड़ दो, उसके बाद में और 20-25 हज़ार जोड़ दो, तो ऐसा होना चाहिए कि भी आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपकी इनकम जब सालाना 15-20 लाख होगी, तो आपके पास इमरजेंसी फंड भी 5-7 लाख रेडी हो गया होगा। क्यों मैं ये इतना इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी फैमिली को अगर आपकी जॉब चली जाती है, सो दे शुड नॉट सेक्रीफाइस अ नेटफ्लिक्स लॉग इन, योर किड्स शुड नॉट सेक्रीफाइस डांस क्लास, योर किड्स शुड नॉट सेक्रीफाइस अ म्यूजिक क्लास, यस और नो? लोगों को स्कूल चेंज करनी पड़ती है अगर इनकम लॉस हो जाए, जॉब लॉस हो जाए, तो प्रीमियम स्कूल से एक ऑर्डिनरी स्कूल में बच्चों को जाना पड़ता है, आप मेरी बात समझे। सो दिस इज दी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसको दिमाग में उतार लो, ये थोड़ा कड़वा है क्योंकि पैसा आपका चला जाता है, आपको अलग से अकुमुलेट करना पड़ता है, बट दवाई कड़वी होती है, वही बॉडी के लिए अच्छी होती है।